जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 1 अक्टूबर से जुड़े हुए न्यूज़पेपर एनालिसिस है, और इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर से संबंधित मेरा प्रश्न है उसका भी विश्लेषण करेंगे, और इसके अलावा जो उससे जुड़ा हुआ परंपरागत प्रश्न है उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी हाल में है आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह काफ़ी चर्चा में है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने क्या किया है कि भारत में अपना काम रोक दिया है। तो इसके कार्यों पर जो रोक लगाई है वह आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय का आरोप है कि इस संस्था को क्या हो रहा था कि अवैध रूप से विदेशी धन मिलता रहा है, और इसमें कभी भी क्या हुआ है कि विदेशी योगदान के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया कि भारत में काम करने से रोक दिया गया है। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है यह आपको ब्रिटेन का एक एनजीओ है, और यह मानव अधिकार से संबंधित जो पहलू होते हैं उस पर यह क्या करता है, अध्ययन करता है और मानव अधिकार से संबंधित बातों को दुनिया के सामने रखता है। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसकी स्थापना वर्ष 1961 में पीटर वेंसन के द्वारा किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको लंदन में है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था, तो 1961 में, और इसका गठन जो किया था कौन किया था, पीटर वेंसन ने, और यह आपको एक एनजीओ संस्था यानी कि गैर सरकारी संगठन है, और इसका जो मुख्यालय है लंदन में है। तो वर्ष 1977 में क्या हुआ था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के क्षेत्र में योगदान देने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 1978 में इसे क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानव अधिकार पुरस्कार है इससे भी इसे सम्मानित किया गया था। अब है कि हाल ही में अभिनेता सोनू सूद को क्या किया गया कि यूएनडीपी के द्वारा, यानी यूएनडीपी कहने का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या हुआ कि मानवीयता के आधार पर एक वर्चुअल सेरेमनी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये जो यूएनडीपी है इसका गठन 1966 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी अभी क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में कार्य करता है, और यह आपको विश्व स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है, और इसी के द्वारा सबसे पहली बार 1990 में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ कि अभिनेता सोनू सूद को यूएनडीपी के द्वारा मानवीयता आधार पर क्या किया कि वर्चुअल सेरेमनी द्वारा सम्मानित किया है। तो इनसे पहले क्या है कि कुछ ही हस्ती को यह सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। इसमें आपको एंजेलिना जोली, डेविड बेकहम, एम्मा वाट्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, इस प्रकार के क्या कि लोकप्रिय अभिनेता और फुटबॉलर है जिन्हें ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आइए अब हम बात करते हैं FTII की, ठीक है, यानी कि FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके जो अभी नए अध्यक्ष बनाए गए, नए यानी कि चेयरमैन जो बनाए गए वो आपको फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को बनाया गया। इसके अलावा ये आपको FTII के जो गवर्निंग काउंसिलिंग है उसके भी क्या किए गए, चेयरमैन बनाए गए। तो इनका जो कार्यकाल होगा वो आपको वर्ष 2023 तक होगा, और ये जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है यह आपको भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता, और FTII की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको पुणे में है। अब है कि हुडन इंडिया के जो अमीरों की सूची है उसमें आपको लगातार 9वें साल क्या हुआ कि सबसे अमीर भारतीय जो बने हैं वो आपको मुकेश अंबानी बने, और मुकेश अंबानी के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, और यह हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो है लगातार 9वें साल चुने गए हैं यानी कि घोषित इन्हें किया गया है। तो भारत के जो टॉप 6 अरबपति है उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि रिलायंस से जुड़े हुए हैं मुकेश अंबानी। उसके बाद है दूसरा नंबर पर भारतीय उद्योगपति में, वो आपको हिंदुजा ब्रदर्स है जो कि हिंदुजा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है आपको शिव नाडर जो कि आपको HCL कंपनी के संस्थापक थे यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड का। इसके बाद आपको गौतम अडानी का नाम आता है जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन है। अभी साइरस पूनावाला जो कि पूनावाला ग्रुप के है। तो देखिए तो ये जो अभी हाल ही में हुडन इंडिया के अमीरों की सूची जो जारी की गई इसमें जो टॉप पर रहे हैं वो आपको मुकेश अंबानी रहे हैं। वहीं आपको टॉप 6 भारतीय में आपको मुकेश अंबानी पहले नंबर पर, दूसरा नंबर पर हिंदुजा ब्रदर्स, तीसरे नंबर पर शिव नाडर, चौथे नंबर पर गौतम अडानी, और पांचवें नंबर पर अजीम प्रेम जी, और छठे नंबर पर साइरस पुणे वाले को चुना गया है यानी घोषित किया गया है।